हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अस्तुति स्वीट ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से अपने पैरों को खूबसूरत बनाया जाए और किस तरीके से इन्हें पैम्पर किया जाए, वो भी घर पर बैठकर ही, क्योंकि लॉकडाउन में हम पार्लर नहीं जा सकते, तो घर पर बैठकर ही हमें अपने पैरों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने पैरों की नाखूनों को अच्छे से क्लीन करना है नेल रिमूवर की हेल्प से। अब हमें टब में गर्म पानी लेना है। अगर आपके पास टब नहीं है तो आप बाल्टी भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको शैम्पू डालना है, जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हो। ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें आधा नींबू डालूँगी और नींबू के छिलके को भी इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें एक चम्मच नमक डाल रही हूँ, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, और अब मैं इसमें अच्छे से झाग मिला दे रही हूँ। अब हमें इसमें अपने पैरों को 15 से 20 मिनट के लिए रखना है, ताकि हमारे पैरों पर जो डर्ट है वो अच्छे से निकल जाए। 15 से 20 मिनट के बाद अब हमें नींबू के छिलके से पैरों के ऊपर जमी गंदगी को अच्छे से क्लीन कर लेना है। नींबू जो है टैनिंग को भी कम करता है, इसलिए मैंने इसमें नींबू का भी यूज़ किया है। तो अब मैं एक ईयरबड की हेल्प से अपने पैरों के नाखूनों को अच्छे से क्लीन करूँगी। फ्रेंड्स, देखिए मेरे पैरों में आलता भी लगा हुआ है नाखूनों में, तो आलता इतनी जल्दी क्लीन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आलता आपके नाखूनों में ना लगे, तो आप पहले नेल पॉलिश लगा के फिर आलता लगाएं, जिससे कि नाखूनों में आलता नहीं लग पाएगा। तो मैंने जब आलता लगाया था, उस समय मेरे नाखूनों में नेल पॉलिश नहीं लगी थी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब मैंने एक पुराना टूथब्रश ले लिया और उससे मैं अपने पैरों को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। देखिए, इस तरीके से हमें अपने पैरों पर से डेड स्किन को निकालना है और पैरों के नीचे भी अच्छे से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि नीचे वाले पैर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो उसे अच्छे से क्लीन करना चाहिए। यहाँ मैं अपनी एड़ियों को भी काफ़ी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। आप इसे प्यूमिक स्टोन से भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मेरे पास अभी ना तो प्यूमिक स्टोन था और ना ही मेरे पास स्क्रबर है, तो मैंने ब्रश से इसे अच्छे से क्लीन कर लिया। ब्रश से भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन ब्रश से क्लीन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसीलिए अगर आपके पास प्यूमिक स्टोन या फिर स्क्रबर हो तो उससे आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं अपने एड़ियों को, ताकि वहाँ की डेड स्किन अच्छे से निकल जाए। अपने फेस के साथ साथ अपने पैरों पर भी हमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पैर भी हमारी बॉडी के पार्ट है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने पैरों को इसमें अच्छे से धोने के बाद अब मैं इसे बाहर निकाल कर इसमें एक पैक लगाऊंगी। तो ये मैंने शहद और चीनी का पैक बनाकर रखा था, इससे बहुत अच्छी स्क्रबिंग हो जाती है। तो इसे मैं अपने अच्छे से अपने पैरों पर लगा रही हूँ। इस तरीके से हमें अपने पैरों पर इसे लगाना है और स्क्रबिंग करनी है अच्छे से। हमें अपने दोनों पैरों को अच्छे से स्क्रब करना है इस तरीके से। देखिए, यहाँ मैंने अपने दोनों पैरों पे ये मिक्सचर अप्लाई कर लिया था। अब हमें इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट बाद मैंने इस पर नींबू का रस डाल लिया और नींबू के रस से मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। देखिए, इस तरीके से चारों तरफ अपने पैरों पर नींबू के रस को अच्छे से लगाना है। इसके बाद हमें अपने पैरों को साफ़ पानी से वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से। और अब मैं अपने पैरों में मलाई लगाने जा रही हूँ। मलाई लगाने से पैर काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए ये मलाई मैं अपने पैरों के चारों तरफ लगाऊंगी। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप दही का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें पैरों के चारों तरफ मलाई लगा देनी है। 2 मिनट बाद अपने पैरों को हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लेना है। इसके बाद मैं अपने पैरों में बेबी सोप लगा रही, क्योंकि मलाई लगाने के बाद पैर काफ़ी ऑयली हो जाते हैं, तो इसलिए अब बेबी सोप लगाना है। बेबी सोप लगाने के बाद मैं इसे वॉश कर लूँगी। इसे अब क्लीन पानी से वॉश कर लेना है। देखिए, इस तरीके से अपने पैरों को अच्छे से वॉश करना है। अब इसके बाद मेरे पैर अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, तो मैं अब इसे टॉवल से अच्छे से सुखा लूँगी। और अब मैं इस पर लगाने जा रही हूँ एलोवेरा जेल। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पतंजलि का हो या फिर किसी और कंपनी का। ये मेरे पास एलोवेरा जेल अपोलो लाइफ का है, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पैर कितने खूबसूरत और मुलायम लग रहे हैं। इस तरीके के खूबसूरत और मुलायम पैर आप भी चाहे तो अपने घर में ही कुछ चीज़ों से कर सकते हैं, आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ करीब से मेरे पैर देखिए, ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक और तरीका मैं बताती हूँ। अगर आपको अपने पैर मुलायम रखने हैं तो आप रात के वक्त सॉक्स पहनकर और पैरों में बोरोलिन लगाकर सोए, इससे आपके पैर बहुत मुलायम रहेंगे और एड़ियाँ भी नहीं फटेंगी। पेडिक्योर के बाद भी सॉक्स को पहने रखना है ताकि आपके पैर नरम और मुलायम रहें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं अब मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।